सो आज का फर्स्ट वर्ड है कनपट्टी। कनपट्टी जो देख रहे हैं आप, जो एक फ्लैट पार्ट होता है और दोनों साइड होता है आपके माथे के बगल में, तो कनपट्टी को इंग्लिश में कहा जाता है टेम्पल। टेम्पल मतलब कनपट्टी। और माथा, माथा जो देख रहे हैं आप, माथा को हिंदी में मस्तक भी कहा जाता है। वैसे माथा या मस्तक को इंग्लिश में कहा जाता है फोरहेड। फोरहेड मतलब माथा। और कान, कान जो देख रहे हैं आप, इसे तो सबको पता है ईयर कहते हैं। और ये कान का सॉफ्ट पार्ट जो देख रहे हैं आप, जो बॉटम में होता है कान के, वैसे से हिंदी में कर्णपाली या कान की लोलकी कहा जाता है। और इसे इंग्लिश में कहा जाता है ईयर लोब। ईयर लोब मतलब कान की लोलकी। और नेक्स्ट है कान का पर्दा। कान का पर्दा ये एक थिन पीस ऑफ स्किन होती है जो आपके कानों के अंदर होती है। वैसे कान के पर्दे को इंग्लिश में कहा जाता है ईयर ड्रम। ईयर ड्रम मतलब कान का पर्दा। और नेक्स्ट है सिर। सिर को इंग्लिश में कहा जाता है हेड। हेड मतलब सिर। और चेहरे को कहा जाता है इंग्लिश में फेस। फेस मतलब चेहरा। और खोपड़ी जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में स्कल। स्कल मतलब खोपड़ी। और ये जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है हिंदी में मूंछ। वैसे मूंछ को इंग्लिश में कहा जाता है मस्ताश। मस्ताश मतलब मूंछ। और दाढ़ी, दाढ़ी जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में बियर्ड। बियर्ड मतलब दाढ़ी। और नेक्स्ट है गाल। गाल जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में चीक। चीक मतलब गाल। और मुस्कुराते समय गाल या ठुड्डी पर पड़ने वाला गड्ढा जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में डिम्पल। डिम्पल कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और नेक्स्ट है थोड़ी। थोड़ी या ठुड्डी भी कहा जाता है इसे हिंदी में। इसे कहा जाता है इंग्लिश में चिन। चिन मतलब थोड़ी। और नेक्स्ट है जबड़ा। जबड़ा जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में जॉ। जॉ मतलब जबड़ा। और ये जो देख रहे हैं आप, इसे हिंदी में कहा जाता है गलगुच्छा। और इसे कल में भी कहा जाता है हिंदी में। वैसे से इंग्लिश में कहा जाता है साइड बर्न्स। साइड बर्न्स मतलब गलगुच्छा या कल में। और नेक्स्ट है तिल। तिल जो देख रहे हैं आप, इसे इंग्लिश में कहा जाता है मोल। मोल मतलब तिल। और नेक्स्ट है नाक। नाक को तो सबको पता है नोज कहते हैं। और ये नथुना जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में नॉस्ट्रल। नॉस्ट्रल मतलब नथुना। और ये अपर पार्ट जो देख रहे हैं आप नोज का, इसे इंग्लिश में कहा जाता है ब्रिज। ब्रिज कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और इस सिर का शिखर जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में क्राउन। क्राउन मतलब सिर का शिखर। और मुंह जो देख रहे हैं आप, इसे इंग्लिश में कहा जाता है माउथ। माउथ मतलब मुंह। और नेक्स्ट है आंख। आंख जो देख रहे हैं आप, इसे तो सबको पता है आई कहते हैं। और पलक। पलक जो देख रहे हैं आप, इसे इंग्लिश में कहा जाता है आईलिड। आईलिड मतलब पलक। और बरौनी। बरौनी कहते हैं पलक के बाल को। वैसे बरौनी को इंग्लिश में कहा जाता है आईलैश। आईलैश मतलब बरौनी। और ये लाइन जो देख रहे हैं आप हेयर की अपने आंखों के ऊपर, उसे हिंदी में बॉय कहा जाता है। और इसे इंग्लिश में कहा जाता है आईब्राउ। आईब्राउ मतलब बौहे। और ये आंख की पुतली जो देख रहे हैं आप, गोल काले कलर की बिंदु जैसी जो दिख रही है, इसे कहा जाता है इंग्लिश में प्यूपल। प्यूपल कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और ये आंख में आप कलर्ड पार्ट जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में आयरिस। आयरिस कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और ये आंखों का सफेद पार्ट जो देख रहे हैं आप, इसे इंग्लिश में कहा जाता है व्हाइट ऑफ द आई। व्हाइट ऑफ द आई कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और नेक्स्ट है नेत्र गोलक। नेत्र गोलक या आंख का डेला जिसमें आपकी पूरी आई कवर होती है। और नेत्र गोलक में वो पार्ट भी आ जाता है जो आपके इनसाइड होता है हेड के। वैसे नेत्र गोलक को इंग्लिश में कहा जाता है आई बॉल। आई बॉल मतलब नेत्र गोलक। और नेक्स्ट है अश्रु नलिका। ये जो देख रहे हैं आप, जहाँ से आंसू निकलते हैं, वैसे से इंग्लिश में कहा जाता है टियर डक्ट। टियर डक्ट कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और नेक्स्ट है बाल। बाल जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में हेयर। हेयर मतलब बाल। और ये सिर की खाल जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में स्कैल्प। स्कैल्प कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और ये मांग जो देख रहे हैं आप बालों की, इसे कहा जाता है इंग्लिश में पार्टिंग। पार्टिंग कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और आंखों के नीचे की हड्डी जो देख रहे हैं आप,
इसे कहा जाता है इंग्लिश में चीक बोन। चीक बोन कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और नेक्स्ट है होंठ। होंठ को इंग्लिश में कहा जाता है लिप। लिप मतलब होंठ। और जो ऊपर का होंठ है इसे कहा जाता है अपर लिप। और जो नीचे का होंठ है इसे कहा जाता है लोअर लिप। लोअर लिप कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और नेक्स्ट है जीभ। जीभ जो देख रहे हैं आप इसे कहा जाता है टंग। टंग मतलब जीभ। और नेक्स्ट है दांत। एक दांत को टूथ कहा जाता है और बहुत सारे दांतों को टीथ कहा जाता है। और नेक्स्ट है मसूड़ा। मसूड़ा जो देख रहे हैं आप इसे कहा जाता है इंग्लिश में गम। गम मतलब मसूड़ा। और ये लाइन जो देख रहे हैं आप आईलेट के ऊपर इसे कहा जाता है इंग्लिश में फोल्ड या फिर आप बोल सकते हो क्रीज। दोनों इसे बोला जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और ये दोनों आज की क्विज है। कमेंट में इसके आंसर मुझे लिख के बताइए। और इस वीडियो में आपने सीखे फेस के पार्ट के नाम हिंदी और इंग्लिश में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग। बाय।